छोटे बच्चे काफी संवेदनशील होते हैं। अगर उनका ध्यान सही से नहीं रखा जाए तो उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों की त्वचा काफी कोमल होती है, उन्हें कभी भी कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। आज हम आपको ऐसे 5 कारणों के बारे में बताएंगे जिनसे बच्चों को इन्फेक्शन होता है। डायपर। डायपर बच्चों के स्किन पर काफी असर डालता है। वैसे तो डायपर को बच्चों की त्वचा के अनुसार ही बनाया जाता है, लेकिन अगर आप डायपर को गीला होने के तुरंत बाद नहीं बदलते तो बच्चों की त्वचा पर काफी नुकसान पहुंचता है, इसलिए डायपर को समय पर जरूर बदलें। पालना टोकरी। ये बच्चों का पहला बेड होता है जो हमेशा हिलता रहता है। ये लकड़ी और स्टील की किसी भी धातु का हो सकता है। अगर इस पर जल लगा हो या फिर ये इन्फेक्टेड हो तो इसका संपर्क भी बच्चों के स्किन के लिए काफी खतरनाक होता है। इससे बच्चों के स्किन पर दाने निकलते हैं। मीलिया। मीलिया एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चों के चेहरे पे सफेद रंग के निशान हो जाते हैं। इससे माथे, नाक और कानों के आसपास धब्बे पड़ जाते हैं, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मात्र 6 महीने के अंदर ही ठीक भी हो जाते हैं। खसरा। यह बच्चों में अक्सर हो जाती है। यह काफी खतरनाक बीमारी है। इसमें बुखार, खांसी, आंखों में सूजन जैसे कई लक्षण पाए जाते हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एक्जिमा। सूखी लाल जगह पर दरार आना, खुजली होना एक्जिमा का लक्षण है। यह अक्सर हाथों में, कोहनी, गले, चेहरे और घुटने में होता है। अगर आप शुरुआत में ही इसका इलाज करेंगे तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके बच्चे में ऐसे छोटे से छोटे लक्षण दिखाई दे तो जरूर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, क्योंकि अगर आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। टीम वन कप न्यूज़।